हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्या है कि 18 नवंबर की संभावना के ऊपर है। निफ्टी बैंक निफ्टी कौन सा मूव दे सकता है, उसका टेक्निकल एनालिसिस करें, ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, उससे एक आइडिया लगाएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह मूव कर सकता है। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और क्या है कि हम पूरी एक इंडिकेटर पे सीरीज बनाने वाले हैं, बाद में स्ट्रेटेजी के ऊपर एक सीरीज बनाएंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करेंगे। तो ये सब अभी हमने स्टार्ट ही किया, तो आपको सभी इंडिकेटर के बारे में जानना है, स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है और प्राइस एक्शन के बारे में जानना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आ चुके हैं एनएससी के साइट के ऊपर। पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बाद में बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो जो हमारा निफ्टी का क्लोजिंग है वो 11,850 से लेकर 11,900 के बीच में कहीं हुआ है। तो ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में कहीं हमारी निफ्टी क्लोज हुई है। तो हम क्या है कि कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कॉल साइड देख रहा हूँ तो सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप मेरे को क्या है कि 12,000 पे दिख रहा है। तो 12,000 पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप दिख रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 12,000 का लेवल है, अगर मैं चेंज इन ओआई भी देखता हूँ तो वो भी 12,000 पे सबसे ज्यादा है। तो ये क्या होता है कि ये मेरे लिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। बाद में हम पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ओआई हमें 11,800 पे दिख रहा है, लेकिन जो चेंज इन ओआई सबसे ज्यादा है वो 11,700 पे। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 11,800 हमारा सपोर्ट रह सकता है, लेकिन कंपेयर टू 12,000 रेजिस्टेंस ये थोड़ा वीक मान सकते हैं हम। तो जो मेरा सपोर्ट है वो 11,800 होगा, जो मेरा रेजिस्टेंस है वो 12,000 होगा। अब हम देखते हैं निफ्टी किस साइड मूव कर सकता है। तो अगर मैं कॉल साइड देखूं तो कॉल साइड मेरे को क्या दिख रही है कि मेरे को कॉल साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है। तो कॉल साइड अगर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखती है तो इसका मतलब होता है कि निफ्टी आपका जाएगा अप। तो बाद में मैं पुट साइड देखता हूँ तो वहां मेरे को कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं दिख रही है, तो मतलब इसका क्या है कि मार्केट डाउन जाने के चांसेस इस पॉइंट से कम है। बाद में हम शॉर्ट पोजीशन की बात करते हैं तो शॉर्ट पोजीशन भी हमें कॉल साइड देखने को मिल रही है, लेकिन वो 12,100 के ऊपर है तो हम इसको नहीं गिनेंगे। बाद में मैं पुट साइड देखता हूँ तो पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, इसका मतलब होगा कि मार्केट जाएगा अप। तो हमने दो पॉइंट देखे, दोनों पॉइंट मार्केट अप जाने के सिग्नल दे रहे थे। हो सकता है निफ्टी जब मंडे ओपन हो तो बुलिश में ओपन हो। अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, तो इसमें भी सेम रहेगा। कॉल साइड से हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कॉल साइड देख रहा हूँ तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मेरे को 31,500 पे दिख रहे, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा रेजिस्टेंस होगा। बाद में अगर मैं इसमें चेंज इन ओआई देखूं तो ये इस पे सबसे ज्यादा नहीं है, तो इसको मैं क्या है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं मान सकता। हाँ, रेजिस्टेंस है लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा मेरे लिए। बाद में मैं अगर पुट साइड देखूं तो पुट साइड मेरे को सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई और ओआई दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहे जो है 30,500। तो मतलब ये हुआ कि ये मेरा इफेक्टिव सपोर्ट हो सकता है, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो बैंक निफ्टी में मेरा सपोर्ट होगा 30,500 और जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो 31,500 होगा। तो मतलब ये दोनों के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी के मूव के बारे में बात करूं तो कॉल साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो अप जाने की संभावना है। अगर मैं पुट साइड देख रहा हूं तो पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अप जा सकता है। तो दो पॉइंट हमें देखे, दोनों ही दोनों अपसाइड जाने के दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी जब मंडे ओपन हो तो बुलिश में ओपन हो सकता है और ट्रेड भी बुलिश में करे। कंपेयर टू निफ्टी मेरे को बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश लग रहा है। तो ये हो गई दोनों की ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो पहले देख लेते हैं आज निफ्टी ने कैसा मूव दिया, बाद में हम क्या है कि मंडे का सोचेंगे। तो आज देखते हैं मार्केट बुलिश में ओपन हुआ, बाद में ये कहीं लाइन पे जो ये मेरी क्या है कि राइजिंग सपोर्ट लाइन थी उस पे क्या है कि रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर से थोड़ा अप मूव दिया, जो इसका लास्ट आया था वहां से फिर से नीचे आ गया। अब हम करते हैं मंडे की बात। मंडे जब मार्केट ओपन होता है तो बुलिश मूवमेंट वाला मार्केट ओपन हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कैसा मूवमेंट है वो सब, बाद में आपको कोई डिसीजन लेना होता है। अगर मार्केट बुलिश में ओपन हुआ और अप गया, इधर से अप जाने निकला,
तो मैं क्या करूँगा कि उसको जैसे ही अप जाता है मैं उसको स्टार्टिंग में अप जाने दूंगा, ये मेरे को कहीं इधर कहीं इस जोन के आसपास ये जोन होगा मेरा जो 11,950 से लेकर 11,917 के आसपास है। अगर ये इस जोन से रिवर्सल दे देता है तब मैं मार्केट में बियरिश मोड में आऊंगा, मतलब शॉर्ट सेल करूंगा। अगर मार्केट थोड़ा सा अपसेट देने के बाद इस जोन के आसपास से अगर रिवर्स हो गया फिर भी मैं शॉर्ट सेल में आऊंगा। मान लेते कि मंडे जब मार्केट ओपन हो थोड़ा अपसेट जाने के बाद बियरिश मोड में आ जाए, अगर ये मेरे को 11,850 के आसपास से बुलिश साइन देखने को मिले तो मैं निफ्टी में बाय साइड ट्रेड लूंगा। इन सिंपल मेरे सपोर्ट कौन से होंगे, मेरे रेजिस्टेंस कौन से होंगे मंडे के लिए, तो जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो होगा 11,850 और जो मेरा दूसरा सपोर्ट होगा वो 11,800 होगा। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मेरा जो ये जोन है ये पूरा जोन मेरे रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, वो कौन सा होगा 11,950 से लेकर 11,917 तक। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो पहले आज का मूव देख लेते। आज जब बैंक निफ्टी ओपन हुआ तो बुलिश में ओपन हुआ, बुलिश में ओपन होने के बाद जो ये मेरा जोन था जो इसका लास्ट हाई था वहाँ से ही कहीं ये रिवर्स हो गया, बाद में एक डाउन साइड देखने को मिला, फिर से क्या है कि अपनी ओपनिंग के आसपास से अपसेट देखने को मिला और बाद में जो दिन का हाई था वहाँ से फिर से एक फॉल देखने को मिला हमें। तो ये था आज का मूव। बाद में हम बात करेंगे कि मंडे क्या हो सकता है मार्केट में। तो मंडे जो मार्केट ओपन होगा तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि बुलिश में ओपन हो, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है कि बुलिश में ओपन हो। तो अगर ये बुलिश में ओपन होता है और इस जोन के आसपास से फिर से कहीं मेरे को रिवर्सल साइन देता है तो मैं इसमें शॉर्ट सेल करूँगा। अगर ये बुलिश में ओपन होता है थोड़ा ऊपर जाके फिर से थोड़ा रिट्रेसमेंट दे के फिर से अपसाइड जाने की कोशिश करेगा तभी मैं बाय साइड आऊँगा। इन सिंपल अगर ये मेरे को ये जोन के आसपास मिल जाए तब मैं शॉर्ट करूंगा। अगर ये क्या है कि बुलिश ओपन होता है और थोड़ा रिट्रेसमेंट देके फिर से अपसाइड जाने का साइन देता है तो मैं इसमें बाय साइड आऊंगा। अगर ये क्या है कि चलो मान ले कि थोड़ा रिट्रेसमेंट ना और थोड़ा गिरावट दे दे, तो अगर ये गिरावट देता है तो ये जो सपोर्ट लाइन है मेरी राइजिंग सपोर्ट लाइन के आसपास अगर मेरे को मिल जाए तो मैं फिर से इसमें बाय साइड आ सकता हूँ। इन सिंपल इसमें मेरे सपोर्ट कौन से होंगे, रेजिस्टेंस कौन से होंगे, वो सब बात कर लेते। 31,100 से लेकर 31,200 तक ये मेरा रेजिस्टेंस होगा। बाद में अगर मैं सपोर्ट के बारे में बात करूँ कि तो ये राइजिंग सपोर्ट लाइन है वो मेरा सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, शायद वो 30,900 के आसपास आए। अगर ये इससे भी नीचे चला गया तो मेरा 30,800 मेरा दूसरा सपोर्ट होगा। तो ये क्या होता है कि मार्केट में आपको देखना पड़ता है कहाँ सपोर्ट ले सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर उसके आसपास से आपको वहाँ रिवर्सल साइन दे दे तो आप वहाँ से बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, जो साइन दिखने को मिले उस साइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये था मेरा छोटा सा व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। और देख लेते हैं मंडे कौन से स्टॉक हम बाय साइड ले सकते हैं, कौन से स्टॉक हम सेल साइड ले सकते हैं। तो मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो जो मेरा SBI बैंक है वो मेरे लिए क्या है कि बाय साइड होगा। देखिए SBI बैंक था ये पूरा एक अप ट्रेंड में था, बाद में क्या हुआ कि ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और आज इसने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखा दी और बाद में ये जो ये क्या है कि ये जो हाई था उसको भी थोड़ा सा ब्रेक किया, प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं किया, लेकिन हो सकता है मंडे इसको ब्रेक करके अपर निकल जाए। तो जो SBI बैंक है वो मेरा बाय साइड में आएगा मंडे। बाद में दूसरा स्टॉक है वो कैडिला हेल्थ केयर है। कैडिला हेल्थ केयर क्यों है, देखो ये पूरा सा एक डाउन ट्रेंड था, बाद में क्या है कि इधर से एक बड़ी सी कैंडल आपको अपसाइड की दिखी, बाद में जो आज के दिन था ये क्या है कि अनडिसिजनल टाइप बना दी, बाद में नहीं बायर आए नहीं सेलर आए। तो मंडे में मार्केट में देखूंगा अगर मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती है तो मैं उसमें भी बाय कर सकता हूँ। बाद में हमारा तीसरा स्टॉक है वो है सीमेंस। सीमेंस क्यों है, देखो एक तो पहले क्या है कि एक बड़ा सा आपको अपमूव देखने को मिला, बाद में इधर एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिली, बाद में क्या है कि थोड़ा सा नीचे आ गया है और क्या है कि वॉल्यूम भी अच्छा है, तो मेरे को लगता है कि अभी ये छोटा सा डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है, शायद ये बड़ा भी हो। तो इसीलिए मैं इसको क्या है कि मंडे बियरिश मोड में लेके जाऊंगा, मतलब अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन गिरा तो जो सीमेंस है वो मेरे सेल साइड के लिए होगा। लास्ट में मेरा जो चौथा स्टॉक होगा वो मदर्स एंड सुमी होगा। क्यों होगा, देखो एक बड़ा सा अप मूव आ गया इसमें, बाद में एक आज क्या है कि रिवर्सल कैंडल भी इसने बना दिए, तो हो सकता है इधर से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सके। तो देखना पड़ेगा अगर मंडे को इधर क्या है कि डाउन साइड के सिग्नल हमें मिलते हैं तब हम इसमें शॉर्ट करेंगे। और ये चारों स्टॉक क्या है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आपको बाय सेल करना है, ऐसा नहीं है कि SBI बाय में है तो बाय ही करना है। अगर ये बाय साइड आपने दिया है तो आपको अगर ये बाय साइड मिलता है तभी आपको बाय करना है, ऐसा नहीं होता है कि ये डाउन जा रहे हैं आप बाय करके बैठे हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना।
आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और क्या है कि जो हमने बताया है आपको कि हम इंडिकेटर पे सीरीज बनाने वाले, तो उसका वीडियो भी कल आ जाएगा। बाद में हम स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम क्या है कि प्राइज एक्शन भी इसमें ऐड करेंगे। सो प्लीज यारो अगर आपको लर्निंग करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद।